फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्विस्टेड ऑन द टेबल। सो फ्रेंड्स, मेरी आज की जो रेसिपी है दैट इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, जो आपने बहुत यूनिक तरीके से मैं कुछ बना के दिखाने वाली हूँ, जो आपने जनरली कहीं सुना भी नहीं होगा एंड देखा भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है अबाउट महाराजा फूल गोभी। सो फ्रेंड्स, महाराजा फूल गोभी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक फूल गोभी ले ली है छोटे साइज़ की, और इसे पानी से भरे हुए पतीले में डाल दिया है। और इसके अंदर फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एंड अ लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक पाउडर, और अब मैं इसको अच्छे से उबल के पक जाने दूंगी। तो फ्रेंड्स, जब तक ये हमारे यहाँ पे गोभी अच्छे से पक रही है, आप देख सकते हैं मैंने इसको पलट दिया है ताकि ये हर डायरेक्शन से अच्छे से पक जाए, तब तक मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले चाहिए इसमें जितने भी हमारा जो ग्रेवी रहेगी वो बहुत ही थिक ग्रेवी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने इसमें टोमेटोज को ग्राइंड करके उसकी ऐसी प्यूरी रेडी कर दी है 2 बाउल्स में। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने यहाँ पर अनियंस लिए हैं, उसके अंदर ग्रीन चिली, कोरिएंडर, अदरक, लहसुन सब कुछ डाल के उसका 2 बाउल्स फुल ऑफ दैट पेस्ट मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी एडिंग एवरेस्ट का सब्जी मसाला इन दिस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पैन में ऑयल ले लिया है जिसके अंदर मैंने थोड़े क्यूमिन सीड्स डाल दिए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ जो हमने अनियन का जो पेस्ट रेडी किया है, आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर, अनियन, गार्लिक, जिंजर, एवरीथिंग आई हैव एडेड। सो फ्रेंड, अब मैं इसको हल्का से पकने दूंगी जब तक ये हल्का सा ब्राउन शेड का ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ग्रेवी था जो हमने रेडी किया था अनियन प्यूरी इसमें डाल के, तो आप ये देखिए ये अच्छे से पक गया है, एकदम हल्का इसका गोल्डन ब्राउन शेड भी आ गया है। तो अब इसके अंदर आई विल बी जस्ट पुटिंग द टोमेटो प्यूरीज। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर ये टोमेटो प्यूरी जो रेडी किया था ग्राइंडर में ग्राइंड करके, वो मैं इसमें दोनों बाउल ऐड कर दे रही हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे कि फ्रेंड्स की यहाँ पे जो हमारा ग्रेवी है वो बहुत ही उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, बिकॉज ये जो महाराजा फूल गोभी जो मैं आपको बनाना आज बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, इसमें ग्रेवी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड अब फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर फूल गोभी को बॉईल करते समय सॉल्ट ऐड किया था तो आपको अभी इस बार थोड़ा कम सॉल्ट ऐड करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद जैसे मैंने आपको जो बताया था कि एवरेस्ट सब्जी मसाला जो मैंने लिया है, आई विल बी एडिंग दिस इनटू दिस, और इससे एक बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आएगा फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो, और बहुत ही खाने में भी ये टेस्टी लगेगा थोड़ा सा। तो आई विल बी एडिंग दिस, और फ्रेंड्स अब मैं इसको मिक्स करके अच्छे से पकने दूंगी। सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे मेरे को 15 से 20 मिनट हो गई है ग्रेवी को पकाते हुए। आप देख सकते हैं कि ये जो इसके सामने जो ऊपर ऑयल आ गया है, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ग्रेवी बहुत अच्छे से पक के रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स, ये ग्रेवी जो है बहुत थिक नहीं होनी चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी ना एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा पतली, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, ये ग्रेवी जैसे कि रेडी है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने जो गोभी बॉयल की थी वो मैं इसके अंदर अभी ये देखिए ये इस तरीके से प्लेस कर दूंगी। अब इसको मैं अच्छे से इस मसाले के अंदर पकने दूंगी फ्रेंड्स, ताकि इस मसाले का जो टेस्ट है वो हर तरीके से इसके अंदर पहुंच जाए। और इसको मैं बीच में पलटूंगी भी फ्रेंड्स, अभी मैं इसको ऊपर की तरफ से पकने दे रही हूँ, देन मैं इसको उल्टा कर दूंगी ताकि ये हर डायरेक्शन से अच्छे से पक सके। और फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स इसको कुछ देर बाद कि हाउ इट इज़ गोइंग टू नाउ लुक। सो फ्रेंड्स, वी आर बैक। ओ माई गॉड, इट्स स्मेलिंग सो नाइस, वेरी टेस्टी फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये पक गया है, एंड इसके अंदर सब जगह आप देख सकते हैं, येस इट इज़ लुकिंग ऑसम, एंड इवन द ग्रेवी इज ऑल्सो, आप देखिए ग्रेवी भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, आवर डिश इज रेडी, नाउ आई विल बी सर्विंग इट। यो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी महाराजा फूल गोभी रेडी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फूल गोभी जो है वो उसका पूरा फूल कितने अच्छे तरीके से ग्रेवी में अच्छे से डिप किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से पक गया है, बहुत ही शानदार लग रहा है। फ्रेंड्स, इस सब्जी को आप एंजॉय कर सकते हैं विद हैविंग विद राइस, पी पुलाव, और यू कैन हैव इट विद चपातीज, एनी असॉर्टेड ब्रेड्स,
लच्छा पराठा, सिंपल पराठा, प्लेन पराठा, एनी पराठा, इट इज गोइंग टू बी रियली रियली वेरी नाइस एंड टेस्टी फ्रेंड्स. एंड यू कैन हैव सैलेड, आई हैव चॉप्ड लिटिल बिट ऑफ सैलेड टू बी ईटन अलोंग विद दिस वेजिटेबल. एंड नाउ आई कैन नॉट रेजिस्ट एनीमोर फ्रेंड्स, माय माउथ इज वाटरिंग एंड इज रशिंग टुवर्ड्स माय डाइनिंग टेबल. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਹਾਈ ਹੈ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ